अभी अगर हम रोटी दिखा दें तो आदमी अखिलेश यादव कहने लगता है। इस आदमी की इतने बड़े प्रदेश का मुख्यमंत्री रहा, इतनी छोटी सोच होगी, टोटी खोल करके ले जाए, मुझे ऐसे पकड़ करके ले जाए, गांधी भैया पहले मारी गली देखिए। एक बड़ा नाम, एक बड़ा मुस्लिम चेहरा जो इस जिले में और इस इलाके में खास सक्रिय है, अतीक अहमद, वो कितना बड़ा प्रभाव रखता है। यार समाज ने इन सब लोगों को नाकार दिया। नमस्कार, नवभारत टाइम्स ऑनलाइन की यूपी चुनाव यात्रा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऐश्वर्य। फिलहाल इस प्रदेश की विधानसभा चुनाव के कवरेज के लिए निकली हमारी टीम का पड़ाव संगम नगरी इलाहाबाद, जिसका नाम प्रयागराज हो चुका है, यहां पर है। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के नेता और उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री नंद गोपाल नंदी जी हैं। आपका स्वागत है। थैंक यू ऐश्वर्य जी, ठीक है? बहुत बढ़िया है। आप ये बताइए, भारतीय जनता पार्टी इस समय उत्तर प्रदेश में किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच आ रही है, किन मुद्दों पर आप चुनाव लड़ रहे हैं? देखिए, मुद्दा इस वक्त अगर हम देखें तो विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। बाकी हमने इतना कुछ काम किया है, हम सबका परम सौभाग्य है कि इस देश की बागडोर एक परम तपस्वी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के हाथों में है और इस प्रदेश की बागडोर एक कर्मयोगी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के हाथों में, जिन्होंने बिना जात धर्म मजहब के भेदभाव के प्रदेश के अंतिम गांव तक विकास की रोशनी पहुंचे, प्रदेश के अंतिम व्यक्ति तक सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंचे, इसके लिए उन्होंने काम किया है और जनमानस में आज साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। ऐसी ऐसी दूर सुदूर गलियों में जहां माना जाता था कि मुस्लिम वोटर वोट नहीं करेगा, वहां भी आप देखिए माला फूल लेकर के कैसे छतों से वर्षा कर रहे हैं और मुस्लिम शायर किस तरह से शायरियाँ पढ़ रहे हैं, आदरणीय मोदी जी के और आदरणीय योगी जी के कसीदे पढ़ रहे हैं। सरकार की योजनाओं का लाभ उनको मिला है, बिना भेदभाव के लाभ मिला है। किसी को उज्ज्वला मिला है, किसी को घर मिला है, किसी को बीमारी हजारी पे पैसा मिला है, तो लोगों के मन में बड़ा श्रद्धा भाव है और सेफ फील करते हैं, अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं। मुस्लिम कसीदे पढ़ रहे हैं भाजपा सरकार की, आप दावा कर रहे हैं। हम इस समय आप यहाँ पे आप चुनाव प्रचार में निकले हुए हैं, दरियाबादी मोहल्ला है इलाहाबाद का, हम यहाँ पे हैं, ये मुस्लिम बाहुल इलाका है, हिंदू आबादी भी है, मुस्लिम भी है, आप यहाँ पे चुनाव प्रचार कर रहे हैं। हमने ये देखा कि आप मतलब मुस्लिमों से लगातार इंटरेक्शन कर रहे हैं, खुले दिल से आप उनके घरों में भी जा रहे हैं और मज़ार में भी आप जा रहे हैं अंदर। तो मेरा आपसे सवाल ये है कि नंद गोपाल नंदी यहाँ पे इस सीट पे अपने चेहरे पे चुनाव लड़ रहे हैं या बीजेपी के झंडे पे चुनाव लड़ रहे हैं, बड़ा फैक्टर क्या है? क्यों आप ऐसी बात कर रहे हैं? देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी का सच्चा सिपाही होने के नाते भारतीय जनता पार्टी के टिकट से चुनाव लड़ रहा हूँ और पार्टी की रीति नीति सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास सिर्फ नहीं है नारा, ये है उद्देश्य हमारा, ये धरातल पर दिखाई दे रहा है। मैं अल्पसंख्यक कल्याण का मंत्री हूँ, मुस्लिम हज वक्फ डिपार्टमेंट मेरे पास है, मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं उनके लिए भी करूँ। और मैं दावे के साथ कहता हूँ कि कांग्रेस ने इनको डरा करके रखा, सपा ने डरा करके रखा, चाहे सपा में आजम खान रहे हों चाहे बसपा में नसीमुद्दीन सिद्दीकी रहे हों, इन लोगों से डरा करके वोट तो लिया लेकिन इनके लिए कभी उनकी भलाई के लिए कोई काम नहीं किया। इनके बच्चे हमेशा टायर की पंचर की दुकान लगाए, अलमारी की मिस्त्री बने रहे, कुर्सी के मैकेनिक बने रहे, एसी के मैकेनिक बने रहे, ये आगे बढ़े, समाज की मुख्य धारा से जुड़े, इसके लिए कभी उन्होंने काम नहीं किया। 15 साल से बंद पड़ी स्कीम को हम ला करके लोगों को लोन दे करके उनके बच्चे भी समाज की मुख्य धारा से जुड़े, एक हाथ में कुरान हो तो दूसरे हाथ में लैपटॉप हो, इसको हमने चरितार्थ करने का काम किया। तो मैं ऐसा समझता हूँ कि जिस तरह से हमारी सरकार ने सभी के लिए काम किया है, सभी वक्त आप समझिए कि ट्रिपल तलाक कितने सारे मुस्लिम देशों में बैन है, इस पर तलाक तलाक तलाक, इसको भी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने, प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से लागू किया, मन में एक भाव तो है ही है, किसकी बहन किसी की बेटी तलाक 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 तीन शब्द कह देने से उसका जीवन खराब होता था, आज वो लोग भी दुआएं कर रहे हैं। आपने कांग्रेस पार्टी पर कुछ आरोप लगाए जो आपकी पूर्व पार्टी रही है, आप नसीमुद्दीन सिद्दीकी का नाम ले रहे थे, एक बड़ा नाम, एक बड़ा मुस्लिम चेहरा जो इस जिले में और इस इलाके में खास सक्रिय है, अतीक अहमद, वो कितना बड़ा प्रभाव रखता है? देखिए, मैं एक लाइन की बात करूंगा कि आज समाज ने इन सब लोगों को नाकार दिया है। समाज
शांति अमन चैन पसंद करता है और सुख समृद्धि चाहता है। जब शांति रहेगी, शांति व्यवस्था रहेगी तो सबको समृद्धि मिलेगी, सबको खुशहाली मिलेगी। तो उस ओर आदमी ध्यान दे रहा है, उस ओर देख रहा है, तो ऐसे लोगों का कोई भी समाज में स्थान नहीं है। ऐसे लोगों का कोई भी स्थान नहीं बता दिया है। उत्तर प्रदेश में आपकी पार्टी बीजेपी कितनी सीटें जीत रही है? देखिए 2014 से इस प्रदेश की जनता ने अंगड़ाई ली है। इस देश की जनता ने जो महसूस किया है 2014 में प्रचंड बहुमत के साथ उत्तर प्रदेश में 80 में से 73 सीट दे करके प्रचंड बहुमत देने का काम किया लोकसभा में। प्रधानमंत्री जी को इस देश के प्रधान सेवक के रूप में देश की सत्ता सौंपने का काम किया। लगातार जब उन्होंने काम किया तो 2017 में प्रचंड बहुमत दे के 325 सीट आज़ादी के बाद पहली बार किसी बीजेपी और एलायंस दल को 325 सीट देकर के इस प्रदेश की सत्ता सौंपने। इस प्रदेश की सत्ता सौंपने के बाद लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी ने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने डबल इंजन की सरकार जिस तरह से काम करी, 2019 में और ज़्यादा वोट का अगर हम परसेंटेज देखेंगे तो 2014 और 17 से भी ज़्यादा 2019 में हुआ, और 2000 जब 19 में हुआ तो निश्चित रूप से 2022 में भी होगा। आज विधानसभा की जो स्थिति है, गोल विधानसभा है, उसमें हैप्पी बर्थडे का एक केक काटते हैं, केक की जो स्लाइस होती है उसमें सपा बसपा और कांग्रेस है, ये स्लाइस का साइज और कम होने जा रहा है, चाहे सपा हो, चाहे बसपा हो और चाहे कांग्रेस हो, ये तीन का फिगर क्रॉस नहीं करेगा, सैकड़ा क्रॉस पार नहीं करेंगे। मैं कांग्रेस तो 10 का भी फिगर नहीं क्रॉस करने में, सिंगल फिगर में रहेंगे। कांग्रेस 10 का आंकड़ा भी पार नहीं करेगी। आप यहाँ से स्थानीय विधायक हैं, आपकी पत्नी मेयर हैं, आप इस बार चुनाव को लेकर कितना आशान्वित हैं? देखिए आज़ादी के बाद पहली बार 2017 के चुनाव में 35,000 और 40,000 में यहाँ पर MLA होते थे आज़ादी के बाद से, और मैं जब से चुनाव लड़ रहा हूँ, एक बार 35,000, दूसरी बार 43,000, तीसरी बार 93,000, तो सबसे ज़्यादा उत्तरी, पश्चिमी और दक्षिणी का मिला तो सबसे ज़्यादा वोट देकर के लोगों ने मुझे विधायक बनाया। हमने इतना काम किया है और बिना भेदभाव के काम किया है, इस बार ये आंकड़ा 1,00,000 के पार होगा और सभी पार्टियों की जमानत जब्त होगी, ऐसा मेरा पूरा भरोसा है। मोदी और योगी की डबल इंजन सरकार की आप बात कर रहे हैं, सपा बसपा और कांग्रेस को आप कह रहे हैं कि इनकी सीटें और भी कम होने जा रही हैं। अखिलेश यादव डबल इंजन सरकार में बहुत आरोप लगाते हैं, तमाम आरोप लगाते रहते हैं। योगी आदित्यनाथ को लेकर वो कहते हैं कि एक योग्य व्यक्ति को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार होना चाहिए जो स्मार्टफोन लैपटॉप चला सके। उनकी योग्यता अखिलेश यादव की आपने देखा होगा, अभी अगर हम टोपी दिखा दें तो आदमी अखिलेश यादव कहने लगता है, मतलब उसका सिंबल हो गया है। गरीब से गरीब आदमी भी किराए के मकान में रहता है और सोचता है ये टोपी अगर हम खोलेंगे तो टूट जाएगी, प्लास्टिक की टोपी काम नहीं आएगी। इस आदमी की इतने बड़े प्रदेश का मुख्यमंत्री रहा, इतनी छोटी सोच होगी टोपी खोल करके ले जाए, उस आदमी की बात का जवाब देना बहुत मायने नहीं रखता। जब पूरी दुनिया कोरोना से करा रही थी, हमारे देश के वैज्ञानिकों का, हमारे देश के डॉक्टरों का उन्होंने मजाक उड़ाया, कहा भाजपा की वैक्सीन हम नहीं लगाएंगे, जो थूक के चाटने वाली कहावत यहाँ पर चरितार्थ होती है। मैं मुलायम सिंह जी को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने अपने बेटे द्वारा फैलाए गए भ्रम को दूर किया वैक्सीन लगा करके। तो ऐसे लोगों की क्या बात करेंगे, वो जो केवल मुस्लिम वोट हमको मिल जाए, उनको कोई लिख करके दे देता तो वो जिन्ना को आदर्श बताते इस देश का, कभी कहो ओसामा बिन लादेन को आदर्श बता दे इस देश और इस प्रदेश का, अपने पिताजी के बराबर में खड़ा करने उनको। उनकी बात का जवाब देना कहीं से सही नहीं, उनकी बचकानी हरकत जग जाहिर है। और आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने पेपरलेस बजट प्रदेश में पेश करने का काम किया, और मैं समझता हूँ जिस तरह से वो लैपटॉप और टैबलेट पर काम करते हैं, अखिलेश की 7 पुस्तें बीत जाएंगी तो उस तरह से काम नहीं कर सकते। आपने ये जो बात अभी कही है, कई सारी बात कीवर्ड्स पर निकालता हूँ, 7 पुस्तें, थूक के चाटना, टोटी, चोर और बचकानी हरकतें, इतनी तलखी क्यों है? अच्छा मैं एक तलखी की बात नहीं है, जो जग जाहिर है, मैं कोई ऐसी बात तो नहीं कह रहा हूँ कि मैं अपने तरफ से कह रहा हूँ। टोटी कहते ही अखिलेश यादव लोग कहने लगते हैं, टोटी बोल भर दो तो हंस के लोग अखिलेश यादव कहते हैं। और आप समझिए कि इतनी छोटी बात कि वैक्सीन भाजपा की है नहीं लगवाएंगे, फिर उनको ही कहना पड़ा कि नहीं वैक्सीन लगवाइए, तो ये बातें हैं कि नहीं? अच्छा, हमने तो मुहावरा सुना था और वो सच होते हुए देखा। नंद गोपाल नंदी जब पॉलिटिक्स में आए थे तो पहले जैसे शहर में लोगों से मेरी बात हो रही थी तो आपकी एक सॉफ्ट छवि थी, अभी आप मतलब इस तरह के लगातार बयान दिए जा रहे हैं,
नहीं अभी भी साफ छवि है, आप देखिए हम मिल रहे हैं लोगों से, कोई कह रहा है कि आठ छवि है, मैं आपके साथ बैठा हूँ, आपको आठ छवि लग रही। अच्छा इधर भी इधर भी आपने जो चुनाव प्रचार का एक नया मॉडल, आप चाय की दुकान पे चले जा रहे हैं, जलेबी छानने लग रहे हैं, पकौड़ियों की दुकान पे चले जा रहे हैं, हमने देखा आप मजार में चले गए, यहाँ गलियों में बच्चों को आपने उठा लिया, तो ये क्या आप मतलब ये चुनाव का प्रचार का तरीका नहीं है? चुनाव प्रचार का तरीका नहीं है ये, आप अगर पहले दिन से पूछेंगे, देखिए इस प्रयागराज शहर दक्षिणी में 87,963 घर है और 73,135 घरों में मेरा 1-to-1 संपर्क है, करीब 23,000 घरों में मेरी इतनी बड़ी बड़ी फोटो उनके परिवार के साथ लगी है, 19,000 घरों में 19,700 कुछ घर है, मैं मतलब मेरा फिर फिगर नहीं क्योंकि अभी और बेटियों की शादी हुई है, 19,700 कुछ बेटियों की शादी में मैंने हंडा परात बल्टी लोटा जग साड़ी ब्लाउज पेटी कोट गुड़ चावल और पैसे उनकी बेटी के दहेज के जो भी शादी में जो होता है सामान देने का, इस तरह से कहीं किसी आदमी के पति की बीमारी में, किसी आदमी के बेटे की बीमारी में माननीय मुख्यमंत्री सहायता कोष से 7 करोड़ से ज़्यादा रुपए हमने 7,900 लोगों को दिलाया है, तो मेरा जो 87,000 में से 73,000 लोगों से 1-to-1 संपर्क है। अब तो ये हमारा शुरू से रहा है, जब मैं पहला चुनाव लड़ा तो लोगों ने नेता नहीं बेटा चुनने का काम किया, दूसरे चुनाव में भी मेरा 25% वोट बढ़ा और अभी 2017 में 93,000 वोट से ज़्यादा वोट हमें मिला, तो ये लोगों का आशीर्वाद प्रेम और प्यार है, निश्चित रूप से मैंने उनके लिए काम किया है और उन्होंने हमें उस काम का इनाम दिया है, तो मैं जैसे पहले था वैसे आज हूँ और आगे भी हमेशा वैसे ही रहूँगा, इस बात का लोग भरोसा करते हैं, इसलिए मैं किसी के साथ एकदम सहज रूप से, मैं समझता हूँ कोई नेता किसी के यहाँ इस तरह से न कर सकता है, न कोई उस पर भरोसा कर सकता है, वो घर से भगा दिया जाए इस तरह की चीज़ें। आप सामान्य तौर पर जैसे हम नेता से मिलते हैं तो कुर्ता पजामा सबरी पहने हुए मिलते हैं, आप हमें एक सामान्य रूप में मिले तो ये भी आप, मैं अब सवाल पूछूंगा तो फिर आप कहेंगे हमारे चुनाव प्रचार का हिस्सा नहीं है? नहीं नहीं, हमें लोग ऐसे ही पाते रहे और ऐसे ही पाते हैं तो उनको लगता है कि मेरा भाई है, और आप देखो ट्रॉली वाला मुझे ऐसे पकड़ करके ले जा, रंदी भैया पहले हमारी गली देख लो, हम पानी गंदा आ रहा बीमार है, मैंने तुरंत लगाया जल निगम को, पानी गंदा आ रहा है, यहाँ पर सफाई की व्यवस्था कराइए, पानी में क्या समस्या है इसको और बोरिंग गहरा करा के कराइए, तो ऐसे ही लोग सहज भाव से लोग कह लेते हैं, इसलिए मैं ऐसे ही वेशभूषा में हमेशा ही रहा हूँ। अच्छा इस समय यूपी चुनाव का माहौल गर्म है और एक जो बड़ा टॉपिक इस समय देखने को मिल रहा है मीडिया में कि तमाम नेता स्वामी प्रसाद मौर्य इस खेमे से उस खेमे में चले गए, अपर्णा जी इसके उधर से इधर आ गई, तमाम जो दल बदल की राजनीति चल रही है उसको आप कितना असर पड़ेगा राजनीति में, प्रदेश की राजनीति में? देखिए प्रदेश की राजनीति में चाहे स्वामी प्रसाद मौर्य हो, चाहे धर्म सिंह सैनी हो, चाहे दारा सिंह चौहान, आप अगर इन तीनों का स्क्रिप्ट उठा करके देखेंगे तो ये ड्रामे से कम नहीं है, 5 साल सत्ता का सुख भोग करके, सत्ता की मलाई खा करके जिस तरह से इन लोगों ने दगाबाजी करने का काम किया है, इस प्रदेश की जनता ने ठान लिया है, प्रदेश की जनता अच्छी तरह से जागरूक है, पिछली बार ये लोग बीजेपी के सहारे जीत गए थे, इस बार अपनी जमानत बचाना इनको मुश्किल होगा और भारी पड़ेगा, गिरगिट कैसे रंग बदलता है, गिरगिट की तरह रंग बदलना और कोई मतलब इस मुहावरे को सच होता हुआ देखे तो देखे, धर्म सिंह सैनी ने बयान जारी किया कि मैं बीजेपी में था, बीजेपी में हूँ, बीजेपी में रहूँगा, फिर जा करके वहाँ चले गए, इसी तरह से स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने लिखा कि मैं बैकवर्ड दलित पिछड़े, इस तरह जो लिखने का काम किया व्यापारी वर्ग, सेम वही स्क्रिप्ट तीनों ने लिखा, तो इसका मतलब तीनों की साठ गांठ थी और ये लोग प्लान बना करके गए हैं, जनमानस देख रहा है, इनको माफ करने वाला नहीं, जनमानस देख रहा है, आप ये जो बातें कह रहे हैं जनता इस बात को देख के, जनता का सबसे पहले सवाल यही होगा जो मैं आप सभी पूछ लेता हूँ कि आपने मायावती के साथ राजनीति शुरू की, फिर आप कांग्रेस में आए, अभी आप भाजपा में हैं, आप ये आरोप भी लगा रहे हैं विपक्षी दलों पर, तो अभी आपकी राजनीति क्या है, भविष्य में नंदगोपाल नंद किधर है? देखिए मैंने जिंदगी में जब होश संभाला पहला वोट जा करके अमल को दिया बीजेपी, हम लोग धर्म कर्म पूजा पाठ से हमेशा मनोयोग से वहीं रहे, मतलब हमारी हाँ हमेशा जब भी 18 साल के हुए तो वहीं दिए, लेकिन जब हम राजनीति में आए उस दौर पर किस तरह से गुंडागर्दी, किस तरह से एक विधायक को दौड़ा करके गोली मार दी गई, कैसे आतंक था, उस आतंक के विरोध में मैं आया
तो चूंकि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी से स्थापित नेता थे, सब लोग स्थापित थे, तो मैं चुनाव लड़ा, विधायक को दौड़ा कर बोलिए आप जवाहर यादव और राजू पाल। हाँ, तो ये हुआ। तो फिर मैं उसी समय राजनीति में आया तो मेरे पास कोई विकल्प नहीं था, इसलिए मैं बीएसपी से चुनाव लड़ा था। और बीएसपी से चुनाव लड़ा, मैं जहाँ भी रहता हूँ ईमानदारी से लड़ता हूँ, पूरी ईमानदारी से। बहन जी ने पता नहीं क्या, वो उनके एक दिन अखबार में सुना कि पार्टी से निकाल दिया, तो मेरी मजबूरी थी। मेरे ऊपर आरडीएस लगा के रिमोट बम से हमला किया गया, कई लोग मारे गए उसमें। तो मैं संघर्ष करने वाला इंसान, जमीन पर संघर्ष करने वाला, सड़क पर संघर्ष करने वाला इंसान, मैं अगर चुनाव नहीं लड़ता या इन विरोधी ताकतों के सामने खड़ा नहीं होता तो मैं मार दिया जाता। इसलिए मैं चुनाव लड़ा, मेरी कह लीजिए कि इंसिडेंट था, लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी में हूँ और आजीवन भारतीय जनता पार्टी में रहूँगा। बम से आपके ऊपर हमला हुआ, आपके शरीर पर तबाव जख्म के निशान भी है, हम उस मुद्दे पर अभी नहीं आएंगे। आखिरी एक सवाल जो करते करते फिर हम निकलते हैं, ये आखिरी सवाल है आपके साथ। विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी पर ब्राह्मण विरोधी होने का आरोप लगाते हैं, ब्राह्मणों की उपेक्षा का आरोप लगाते हैं। कहता हूँ इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। 2014 से लगातार इस प्रदेश की जनता ने, इस देश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दिया, सहयोग दिया, हर चुनाव में सफलता दी है, उत्तर प्रदेश में खास तौर से। तो अब उत्तर प्रदेश में इनके पास कोई भी मुद्दा नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो ये तमाम तरह के मनगढ़ंत आरोप लगा करके सोचते हैं अपनी कैसी खोई हुई जमीन वापस पा लें। इसलिए छोटी छोटी पार्टियों से जो गठबंधन कर रहे हैं, हमारा गठबंधन इस प्रदेश के आम जनमानस के साथ है, इस राष्ट्र को प्रेम करने वाले लोगों के साथ है, इस राष्ट्र की तरक्की देख करने वालों के साथ है, इस प्रदेश को ऊंचाई पर ले जाने वालों के साथ है, इस प्रदेश के आम जनमानस के साथ है। इसलिए हमारी जीत होगी और हम 350 पार करेंगे। धन्यवाद। तो ये हमारे साथ योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री नंदगोपाल नंदी थे। आप देखते रहे नवा टाइम्स ऑनलाइन। शुक्रिया।